हेलो स्टूडेंट्स दिस इज़ योर चैप्टर नंबर टेन एनिमेशन इन फ्लैश सो स्टूडेंट्स फर्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग एनिमेशन एज यू ऑलरेडी नो एनीमेशन इज़ द इल्यूजन ऑफ मूमेंट्स क्रिएटेड बाई डिस्प्लेइंग ए सीरीज ऑफ पिक्चर्स इन ए सीक्वेंस वेरी क्विकली बात आती है एनिमेशन क्या होता है तो एनिमेशन का मतलब होता है कि जो हमारे पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं उनको अगर हम डिस्प्ले करेंगे किसमें एक सीरीज़ में मतलब एक के बाद दूसरी पिक्चर दूसरी के बाद तीसरी पिक्चर और इनका एक सीक्वेंस होगा और उसमें क्या होगा मूवमेंट होगा सिक्वेंसली अगर वो मूव कर रही है और वो भी बहुत क्विकली मतलब तेज़ी के साथ तो इसको बोलते हैं हम एनिमेशन एनिमेशन कुछ नहीं होता है एनिमेशन में हमारे पास डिफरेंट काइंड की जो पिक्चर रहती है वह मूवमेंट करती हैं एक सीरीज में नॉर्मली ईच पिक्चर्स इज़ ओनली स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी पिक्चर्स रहती है ग्रुप ऑफ पिक्चर्स रहती है तो उसमें जो पिक्चर रहती है वो डिफरेंट रहती है मतलब एक ही पिक्चर नहीं होगी आपके डिफरेंट पिक्चर सो होती है जैसे आप मूवी uh, देखते होंगे तो उसमें जो सीन्स देखते होंगे आप लोग तो सिमिलरली यही होता है एनिमेशन में भी ऑल कंटेंट्स ऑफ एनिमेशन आर ऑर्गेनाइज इन टू द टाइम लाइन इन फ्लैश अब बात आती है कि इसमें जितना भी कंटेंट हमारा होगा कंटेंट का मतलब यहाँ पे किससे है ऑब्जेक्ट से है, है चाहे वो पिक्चर है या साउंड है तो ये क्या होता है सारा का सारा कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है टाइमलाइन पे ऑर्गेनाइज किया जाता है नेक्स्ट है अबाउट सिंबल्स एंड इंस्टेंसेस ए सिंबल इज ए रिजल ऑब्जेक्ट यूज्ड क्रिएटेड इन फ्लैश ए सिंबल कैन बी रीयूज थ्रू आउट योर मूवी सिंबल क्या होता है सिंबल एक रियूजल ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम फ्लैश में क्रिएट करते हैं सिंबल कैन बी रीयूज थ्रू आउट योर मूवी आप सिंबल को रीयूज कर सकते हैं अपनी मूवी में इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सबसे पहले है एनी थिंग ऑन द स्टेज कैन बी चेंज टू ए सिम्बल हम स्टेज में किसी को भी मतलब कोई भी चीज़ है उसको क्या कर सकते हैं सिंबल में बदल सकते हैं सिंबल आर स्टोर्ड इन लाइब्रेरी सारे के सारे जो हमारे सिंबल होते हैं वो कहाँ स्टोर किए जाते हैं लाइब्रेरी में द इंस्टेंस ऑफ इ सिंबल इज़ ए कॉपी ऑफ इट अब बात आती है इंस्टेंस क्या होता है तो इंस्टेंस कुछ नहीं होता ये सिंबल की ही एक कॉपी है जिसको हम लाइब्रेरी से स्टेज पे क्या करते हैं ड्रैग करते हैं ईच इंस्टेंस कैन बी मॉडिफाइड हम हर एक इंस्टेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं लाइक चेंजिंग कलर्स साइज और आउटलाइन इंडिपेंडेंटली विदाउट इफेक्टिंग द अदर इंस्टेंसेज ऑन द स्टेज इसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिम्बल हमारे पास जो सिम्बल दिए होते हैं उनके कितने कैटेगरीज हैं तो सबसे पहले है ग्राफिक सिम्बल्स इन एंड एनिमेशन नॉर्मली वी हैव ए बैकग्राउंड अगेंस्ट विच वी एनीमेट अदर ऑब्जेक्ट्स ग्राफिक सिम्बल्स आर द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ सिम्बल्स एंड आर मोस्टली यूज टू क्रिएट बैकग्राउंड एनिमेशन में जब भी हम बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हम किस सिम्बल का यूज करेंगे ग्राफिक सिम्बल्स तो ये बेसिक टाइप के सिम्बल होते हैं जिनका यूज़ बैकग्राउंड को क्रिएट करने के लिए किया जाता है सेकेंड है बटन सिम्बल्स बटन सिम्बल्स एड्स इंट्रेक्टिविटी टू द मूवी एंड रिस्पॉन्स टू माउस क्लिक्स जो बटन सिंबल्स होते हैं ये मूवी में इंट्रैक्ट करने के लिए ऐड किए जाते हैं और ये माउस क्लिक पे क्या करते हैं रिस्पोंड करते हैं मीन्स जैसे ही हम क्लिक uh, करते हैं तो ये तभी रिस्पोंड होंगे जब हम इन पर क्लिक करेंगे इसके बाद है मूवी क्लिप सिम्बल मूवी क्लिप सिम्बल्स कैन कंटेंट साउंड्स वीडियोस, ग्राफिक्स एंड इंटरेक्टिव कंट्रोल्स अब मूवी क्लिप सिंबल में हमारे पास साउंड भी होगा वीडियोस, ग्राफिक्स और इंटरेक्टिव कंट्रोल्स जो भी हैं ये सारे के सारे हमारे मूवी क्लिप सिंबल की हेल्प से क्रिएट किए जाएंगे ए मूवी क्लिप सिम्बल कैन कंसिस्ट ऑफ ए फ्लैश मूवी विद इन ए फ्लैश मूवी अब है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट टू ए सिम्बल हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिम्बल में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए एक्टिविटी वन दे रखी है तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे मैक्रोमीडिया मीडिया फ्लैश ओपन करेंगे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है फ्लैस फ्लैस एट को हम यूज़ कर रहे हैं फ्लैश डॉक्यूमेंट में ये तो ये हमारा मैक्रो मीडिया क्या हो गया है ओपन हो गया है अब इसमें दे रखा है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट विच यू वॉन्ट टू कन्वर्ट टू ए सिम्बल सबसे पहले आप लोग यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम यहाँ पे एक पॉली स्टार टूल को बना रहे हैं पॉली स्टार टूल पे गए हम ऑप्शन और यहाँ पे हम एक स्टार को ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये स्टार हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है अब हम इस ऑब्जेक्ट को कैसे सिंबल में कन्वर्ट करेंगे तो इसके बाद हमने क्या किया सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट विच यू वॉन्ट टू कन्वर्ट टू ए सिम्बल इसके बाद इसको हम सेलेक्शन टूल की हेल्प से सेलेक्ट करेंगे फिर ओपन द मॉडिफाई मेन्यू एंड सेलेक्ट कन्वर्ट टू सिंबल ऑप्शन और प्रेस एप हेट की तो ये हमारा यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये है हमारा सिलेक्शन टूल सिलेक्शन टूल की हेल्प से हम इसको सिलेक्ट करेंगे ये हमारा सिलेक्ट हो गया इसके बाद हमें मॉडिफाई मेन्यू में जाना है यहाँ पे और कन्वर्ट टू सिम्बल इस पर क्रिएट करना है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नाम आ जाएगा सिम्बल वन आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से रिनेम कर सकते हैं